लोग गुस्से च ने, लोग अपनी पिछली की गलती महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यो कहता सी भी कोई धरना नहीं होगा, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई टेंकी तो नहीं चलूगा। केजरीवाल साहब ने एक भैन बना के टेंकी तो लाया सी, पांच भैन फिर उस टेंकी तो चढ़ी है। दुनिया च दो गल्लां बड़ियां सौखियां ने, किसी नूं नसीहत देनी ते किसी नूं क्रिटिसाइज करना, पर सरकार चलाउणी है, सरकार ने फैसले लेने, कौड़े घुट करने पैने। इन्नी गल भगवंत सिंह बादशाह शहीद भगत सिंह की फोटो ला रही है, तीन इनकलाब जिंदाबाद कहना सीख लिया, बाकी तो कोई गल नहीं। केड़ी गल इन्होंने की आखी जी हूँ पूरी हुई है, मैं ये दस दौ। इन्ने वे लारे लाते, बिजली सस्ती तो नहीं हुई, शराब सस्ती करने वाले पासे रज के पे। फिर मान साहब कहते सर भी की लोड़ है, जे जो असी चंगा करेंगे साढ़े को की लोड़ पई है, सानू पुलिस की की लोड़ है। तो मान साहब ने मूसेवाले के घर जाना सी, तो 500 पुलिस मुलाजम ला के गए। मान साहब वो गल्लां पिछली पता नहीं क्यों भुल गए। संगरूर दीआं जिमनी चोणां नूं लैके सियासी अखाड़ा पक्या होया, सारिया सियासी पार्टियां वालों पब्बा पर होकर जोर लगाया जा रहा। आम आदमी ने 2022 दी विधानसभा चोणां विच 92 सीटां लैके बहुमत प्राप्त की सी। जे संगरूर की सीट की गल करिए लगातार दो बार भगवंत मान वालों जी संगरूर की सीट जीती हराई सी। इस बार माहौल काफ़ी सखावां बनिया होया, कांग्रेस वालों भी गोल्टी नूं जिहड़ा चोण मैदान में उतारा गया। साबका कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा साढ़े नाल ने। बाजवा साहब काफ़ी दिनों तो इस हल्के कंपेन कर रहे हो, लोगों का कितना हंगारा मिल रहा जी तुम? देखो जी, लोग इस वे मौजूदा सरकार के बहुत खिलाफ ने जी, मन च गुस्सा है, रोह है, लॉ एंड आर्डर तो दुनिया बहुत औखी है। जड़िया वारदाता मूसे वाले तो लैके अमृतसर शहर दे ते पंजाब दे हर कॉर्नर से ही कोई ना कोई यहोजी रोज़ वारदात हो जाती है। तो लोग गुस्से च ने, लोग अपनी पिछली की गलती महसूस कर रहे हैं। तो देखो इस इलेक्शन की रिजल्ट करते हैं, लोग हजे मूहों को बहुत ही गल नहीं कर रहे, सुन रहे हैं। जिस तरह पिछली इलेक्शन उन्होंने लोगों को पता नहीं लगन था, कैंडिडेटा पता लगन था भी उन्होंने मन च की है, तो उन्होंने की कर विखा लिया। तो जापदा ईश्वर भी है भी उन्होंने मन च रोह है, तो अपनी दिल च दिल च रख के बैठे ने, तो वेखो की ले रहे की अचंबा कर दे। बाजवा साहब जी गल करिए, सरकार से 5 साल तुम राज किया, भगवंत मान होना वालों लगातार अध्यापक जो टैंकियों चढ़ते सी उन्होंने जाके मेल मिलाप किया हों, डॉक्टर धरने पर बेंदे सी, होर कर्मचारी जो धरने पर बेंदे सी, सानू पक्या किया जाए, तनखावां वधाईयां जाए, पंजाब धरना मुक्त किया जाऊगा। मुख्यमंत्री दे घर दे सी, मुख्यमंत्री यो कहिंदा सी भी कोई धरना नहीं होगा, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई टैंकी तो नहीं चढ़ूगा। केजरीवाल साहब ने एक भैन बना के टेंकी तो लाया सी, पांच भैन फिर उस टेंकी तो चढ़ी है। रोज़ मुजहरे हो रहे ने, रोज़ लाठीचार्ज हो रहे ने। जो वादे इलेक्शन किए थे 2000 बीबिया देना, बीबिया रोज़ 2000 ही डिगदियां पईयां। सो टोटली फेल, टोटली फेलियर सरकार दी। देखो दुनिया च दो गल्लां बड़ियां सौखियां ने, किसी नूं नसीहत देनी ते किसी नूं क्रिटिसाइज करना। जिस च भगवंत मान बहुत मार सी, बड़े बड़े सोहने स्किट उन्हें पेश किए, पर क्रिटिसिजम दे पॉजिटिव नहीं, क्रिटिसिजम दे भावें पुलिस से सरकार से किस तरह का, उस स्किट वे बड़े वंडरफुल सन। उस पक्षों जीनियस है, स्किट बनाने तैयार है, पर सरकार चलानी है, सरकार के फैसले लेने, कौड़े घुट करने पैने। जिस गलों हज तक कुछ झिझकन डी सरकार, तो लोग महसूस करना पे उन्हां कोलों गलती होगी जो मैं असैस की। कहा जाता सी आम आदमी पार्टी के वालों कि असी
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਰਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਇਤੀ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਲੀ ਫੇਲ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਡਈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਦਾ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ADC ਰਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਖੀਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਈ ਵਸ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸਨੋਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ। ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਗ ਐਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਈ ਵਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਰਾਜੋਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 30-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਈਗੋ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਹੋਂਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
क्योंकि कोई सिक्खी वाला काम ही नहीं, कि प्रचार ही नहीं, कि कोई कॉलेजों जो उन्होंने स्कूल खोले उन्होंने रिजल्ट पढ़ लो, रिजल्ट देख लो, जो एस जी बी स्कूल ने उन्होंने कॉलेज ने रिजल्ट देख लो, कोई बच्चा पंजाब का आई एस नहीं होन दिया, कोई आई पी एस नहीं होन दिया। आम आदमी पार्टी ने 22 दी चोणां च करप्शन की गल की, भ्रिष्टाचार की गल की, अपने ही मंत्रियों के घोटाले निकल रहे उन्होंने। हाँ जी देखो की बनता जी, समय लगे लगते सगा समय इतने 3-4 महीने हुए ने, हजे होर देखो तुरन दो फिर पता लग जूगा। कांग्रेस के गल की, कांग्रेस के काफ़ी थोड़े राजकुमार वेरका जी चल गए, होर विधायक टुट टुट के भाजपा च जा रहे हैं, की कमी रह गई यहोजी कांग्रेस के? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, तो जाने वाले पूछना चाहिए भी उन्होंने की इधर घाट देखी तो उधर ज्यादा देखी है, ये तो यह सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। भाजपा साहब फर्क पेगा कांग्रेस में इन्हें जाने के कुछ ना कुछ? नॉट मच, कोई बहुता नहीं जी। जो जो कांग्रेस की सोच वाले ने पिंड उस तरह खलोते ने, किसी एक दे मोढ़िया दे बह के सारी कांग्रेस नहीं कितने चले जाते। भारतीय जनता पार्टी का किसानी मुद्दे लैके काफ़ी विरोध होया लगातार, हुण पब्बां भार संगरूर इलैक्शन दे विच भी उतरी हुई है, तुहानूं लगता किसे किनारे लग सकती है? देखो भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच तो बदली है, पहला पंजाब बारे मिनोरिटीज़ बारे इतों की मिनोरिटीज़ बारे कुछ होर सोच सी, हूँ थोड़ा जहा उन्होंने दरवाजे खोले ने, फिर बीजेपी च वध तो वध जिहड़ा ना वो सिख भाईचारा आवे, थोड़ी सोच बदली है, पर उस सोच इंप्लीमेंटेशन दे सामने जो आएगी जो गल्लां इंप्लीमेंट होणगियां फिर पता लगेगा भी की गल। संगरूर की गल करिए, दो बार भगवंत मान इत्थों एमपी बनते हैं, तो विधानसभा चोणां की गल करिए, 9 सीटां दे विचों एक भी सीट कांग्रेस दे जां अकाली दल दे आम आदमी पार्टी तो इलावा किसी के हाथ नहीं आती? नहीं आई, नहीं आई ना, तो की लगता थानू हुण संगरूर हल्के दे लोक किस तरह का मूड बना के बैठे ने? मूड तो यह बनाया भी जिहड़ी मौजूदा सरकार है उहदी मुखालफत करनी है, उस मुखालफत का फायदा असी किन्ना उठा सकते हैं नहीं उठा सकते यह समां दसेगा। लगे हुए ने साडे साथी बड़े जोरां नाल लगे ने, राजा वड़िंग जी लगे ने, प्रताप बाजवा लगा, सुखजिंदर रंधावे होरी सारे सारे जड़े ने, सुख सरकारी होरी सारे लगे हुए ने, सिंसियर लगे ने, देखो की बनता वा। वीरका साहब का कल बयान आया सीगा भाजपा आगू ने, अजकल कहिंदे राजे वड़िंग नूं सियासत करनी नहीं आउंदी, सियासी बंदियां नूं नाल लैके चलना नहीं आउंदा। चलो चंगी गल आ, उन्हां दी अपनी सोच आ ते नहीं आनी आउंदी, उन्हां हुण कुछ ना कुछ तो कहना ही आ, पर चलो जे उन्हें मौका मिलया तो मेहनत करके विखाउण दिया। की लगता है 3 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी नूं, भगवंत मान होना दा इस जिमनी चोणां ते जिहड़ा औरतां नूं 1000 रुपया भत्ता देण दी गल कीती सी, उहदा फर्क पवेगा? बिजली फ्री की गल की, हाले तक बिजली फ्री जी मैं जी एक गल भी नहीं पूरी हुई, एक गल भी नहीं पूरी हुई, बिजली फ्री आखी सी वो तो हो ही नहीं, मैं दस्या बस शराब कहते सस्ती कर दौ इस पास जोर है, पता नहीं उस की कढ़ना पाना की गलबात, नशा खत्म करने की लड़ाई है तो शराब की सेल वधाओ दवा दा ये भी गल हैगी। चलो पंजाब कि स्थितियां जा रहे हैं पता नहीं जी, हजे बहुत कल इन्हें देखने होर 6 महीने देखने की बनता, अभी तो कहते सू समय ही थोड़ा मिले वा, होर 6 महीने देख के साल लंघता फिर देखेंगे असैस करेंगे भी की गल बनती है। कई बार चर्चा यह भी चलती है कि भगवंत मान ने कोई पंजाब के हित में फैसला लेना होंगे तो दिल्ली में चल जाती है, सारी सरकार दिल्ली तो चलती है, जो केजरीवाल कहते हैं रिमोट के भगवंत मान चलते हैं सुनया तो यही है जी, बाकी हुण अंदर रोज जानते हैं, देखो ना हुण जिहड़ी पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी है उत्थे बन के आई है, मैं दस्या पहली बारी पंजाब की हिस्ट्री च शराब के ठेकेदार सड़क पर बैठे ने, पहली बार गल। 3 महीने में कुछ मंत्री बनाए ने, की तुहानू लगता वा वो कांग्रसियां ते आरोप लगा रहे ने, अकालियां ते आरोप लगा रहे ने, भाजपा ते लगाए जाते हैं, की तुहानू लगता एक साफ राजनीति है जां बदलाखोरी की राजनीति की जा रही? देखो जी आरोप ही आरोप हर बंदे नूं बदनाम करने वाले पासे पे हुए ने, आरोप लाई जाते ने भी सारे बदनाम करो, जिन्ना को अपना इन्ना लूज किया मूसे वाले मसले च उन्हूं इस गल नाल दूजे पासे बदनाम करके न्यूट्रलाइज करना चाहते ने, पर नहीं मेरा लोगों का मन बनया होया वो जिहड़ा रिजल्ट दसेगा भी की बनता। जे गल करिए 4 लाख वोट जिहड़ी सी टोटल इस हल्के तो प्राप्त की सी आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह का लोगों के नाल साडी मीडिया ने गलबात की आ, लोगों का रुझान ही रहा, की तुहानू लगता है कि लोगों का आने वाले समय तक सियासत तो मोह भंग हो जाएगा? जाप का तो यही है जिस तरह सारा कुछ चल रहा वा,
बिल्कुल इजाजत यही है, लोग कितने इंतजार करना हूँ। जे गल करिए दलवीर गोल्टी तो एक उम्मीदवार ने जंग ने लोग अजक नौजवानों पसंद भी करते हैं, संगरूर हल्के के लोगों की कहना चाहोगे? जी असं तो कहोंगे भी साफ सुथरा इंसान है, कांग्रेस को मौका देना चाहिए, इन्होंने मौका दे के ना देख लिया वा तो आप ही पछताते हैं पे, मूहों मूँह बोलते हैं पे भी साथों गलती होगी। बजुर्ग बजुर्ग जो बंद ने वो कह रहे हैं भी साड़ियाँ आने वाली पुश्तें भी कदम वोट नहीं पागियां हम सो, पर फिर भी लोगों की मर्जी है, लोगों का खेड है, खीरले मिनट तक बड़िया चेंजेस आदियां ने, उ घड़ी देखा जो रिजल्ट आएगा। पर राघव चड्ढा तो कह रहे हैं 24 के प्रधानमंत्री होंगे केजरीवाल साहब। चलो चंगी गल उन्हां दी सोच है, वो अपने निशाने से लगे ने, वो गल वड्डी है, सीधी गल हजे सलाम नहीं कर रहे हैं जी, वो गल वड्डी है। देखो कि भगवंत मान जी केजरीवाल हिमाचल के जाते हैं, कहते पंजाब दे विच ओ करप्शन खत्म करती, भ्रिष्टाचार खत्म करता, एजुकेशन अगे लैन दी जी। एजुकेशन तो पंजाब की पहले ही एक पहले नंबर पर आई है, दिल्ली जी बहुत थले आई है, जरा आल इंडिया जिस तरह नंबर लगे ने, सो इस तरह दलप्शन की खत्म हुई पंजाब चो, ये पिंडा के लोगों जो जे तहसीलों जाके पुछ लो, सानू की पुछते जाके पुछो तो सही, लोगों फिर वो पता लगेगा। मेरी की गल छो, मेरे आखे का तो कहना भी ये कांग्रेसी ने तो उल्ट कहना कहना, लोगों की आवाज़ सुनो, लोगों को पुछो फिर गल का तुम पता लगेगा। सो धन्यवाद सन सबका कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा, जिन्होंने असी संगरूर जिमनी चोणों लैके गलबात की है, जिन्होंने कहना कि आम आदमी पार्टी ने जो 2022 दी चोणों तो पहला पंजाब के लोगों वादे किए थे, कितने कितने आम आदमी पार्टी उन्होंने वादियों तो खिसकती नजर आ रही है, पर इस जिमनी चोणों के संगरूर हल्के लोग जिहड़े ने कांग्रेस के उम्मीदवार दलवीर गोल्टी वोटां पाउणगे, आम आदमी पार्टी इत्थों नकार देणगे।